हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अपना बहुत ही ख्याल भी रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटी सी वीडियो में हम करेंगे पार्ट का पोस्टमार्टम, बहुत ही कम समय में। ये लेसन इसका नाम है द रेड ट्रैप, फ्लेमिंगो का क्लास 12th का। इसकी राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ। ये 11 पेज का लेसन है और मैंने सिर्फ 10 पॉइंट्स में, जी हाँ सिर्फ 10 पॉइंट्स में, ना सिर्फ इस पूरे लेसन की कहानी, इसकी सारी समरी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और वो पॉइंट भी नोट कर दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साथ ही साथ ये सारे जो 10 लाइन्स हैं, ये सब हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो किस बात की देर है, अभी कीजिए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं। आप पेडलर, कहानी का हीरो है एक पेडलर, सेलिंग स्मॉल रेड रैप्स, क्या बेचता है? छोटे छोटे रेड रैप्स, अंडरलाइन कर सकते हैं इसे। ऑफ वायर, काहे के बने हुए हैं? लोहे के तार के, और ये तार वो इधर उधर से अरेंज करता है। देन इफ नॉट सक्सीड, अगर वो इस काम में सफल नहीं हो पाता है, इट मींस इतना वो नहीं कमा पाता कि शाम को खाना खा सके, बैग और स्टील वो चोरी करने से और भीख मांगने से भी हिचकिचाता नहीं। इसे भी अंडरलाइन करें, ऑब्जेक्टिव में इसका आपको फायदा होगा, ऑब्जेक्टिव में इसकी हेल्प आपको मिलेगी। नेक्स्ट, वन डे गॉट अ थॉट, एक थॉट उसके दिमाग में आया, दैट द होल वर्ल्ड अ बिग रेड रैप, की पूरी दुनिया है अपने आप में चूहेदान, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। जैसे वह अपने बनाए हुए चूहेदान को भेजता है, वैसे ही ईश्वर का बनाए चूहेदान में हम सब लोग फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वन डार्क इवनिंग, एक शाम जो अंधेरी थी, सौ आ कॉटेज, उसने एक झोपड़ी देखी, एक घर देखा, मेट अ क्राफ्टर, उस घर में कौन मिला उसे? एक नया किरदार आया इस कहानी में, ये मिला है एक किसान। द क्राफ्टर शोड हिम 30 क्रोनर्स, इस किसान ने उसे 30 क्रोनर्स दिखाए। बार बार पूछा जाता है कितने क्रोनर्स? 30 क्रोनर्स क्यों दिखाए? He said that he earned by selling milk of his cow. उसने कहा कि ये 30 क्रोनर उसने गाय का दूध बेचकर कमाए हैं। शायद उसे लगता था कि वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने उसे पैसे दिखाए। Next, the peddler stole his money and ran towards. अगले दिन सुबह ही पेडलर ने उसके वो 30 क्रोनर चुरा लिए। उसे डर था कि उस सड़क पर जाएगा तो पकड़ा जाएगा हाईवे पर, तो उसने जंगल का रास्ता चुना क्योंकि बहुत ही वो चालाक था। नेक्स्ट, बट ही वॉज कंफ्यूज एंड रीच टू अ फोर्ज, लेकिन वो इतना कंफ्यूज हो गया कि वो एक एक लोहे के कारखाने में पहुंचा। अचानक उसे हथौड़े की आवाज आई। द आयरन मास्टर थॉट दैट ही वॉज वन ऑफ हिज रेजिमेंटल कॉम्रेड्स, वहां उस कारखाने में आयरन मास्टर को, जो उसका मालिक था, उसे लगा कि वो रेजिमेंट का एक कॉम्रेड है और उसका नाम है कैप्टन वॉन स्टॉले। ही एंड हिज डॉटर एडला विल्मेंसन, उसने और उसकी बेटी एडला विल्मेंसन ने ट्रीटेड हिम वेल, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे खिलाया, उसकी शेविंग कराई, उसे सब कुछ वो दिया जो एक गेस्ट को मिलना चाहिए था, रिस्पेक्टेड गेस्ट, ओके। बट इन द मॉर्निंग द आयरन मास्टर रियलाइज्ड मिस्टेक एंड इंसल्टेड हिम, अगली सुबह जब आयरन मास्टर को इस बात का एहसास हो गया कि ये वह दोस्त नहीं है उसका, कि ये वह कैप्टन नहीं है, तो उसने उसको अपमानित किया। बट His daughter requested him to stay for the Christmas on the next day. लेकिन अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एडला ने अपने पिता को समझाया कि कुछ भी सही, लेकिन वो एक गेस्ट तो है और क्रिसमस के मौके पर आया है, तो उसे अगले दिन तक वहां रुकना चाहिए, और उसने इसके लिए पेडलर से रिक्वेस्ट की। They went to the church next morning. अगले दिन वे लोग कहां गए? चर्च गए, क्योंकि क्रिसमस था। The crofter came there and told them about theft. वहां पर वही किसान जिसके 30 क्रोनर्स चुराए थे हमारे पेडलर साहब ने, वो वहां पहुंचा और उसने सबको बताया, और उन्हें भी बताया कि उसके यहां 30 क्रोनर्स की चोरी हो गई। ठीक है, They returned home in a hurry. वे लोग तुरंत जल्दी से घर वापस आए। But it was
ऑल सेफ, सब कुछ सुरक्षित था, कुछ भी चुरा नहीं था जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसकी चोरी के बारे में सुन लिया था। द पेडलर लेफ्ट दोज 30 क्रोनर्स, लेकिन वे बड़े अमेज्ड हुए, सरप्राइज हुए, क्योंकि पेडलर वो 30 क्रोनर्स जो उसने क्रॉफ्टर के यहां से चुराए थे घर छोड़ गया, एज वेल एज और साथ ही साथ अ स्मॉल रैट, एक छोटा सा चूहेदान छोड़ गया फॉर एडला, एडला के लिए एज ए गिफ्ट, उसकी काइंडनेस के लिए भी गिफ्ट हो सकता है, और क्रिसमस के फेस्टिवल था तो इस वजह से उसने उसे क्रिसमस गिफ्ट दिया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? सिर्फ ये 10 पॉइंट्स में हम इस पूरी कहानी को समझ चुके हैं। अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस के आंसर इससे पिक कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश पर एस गोस्वामी, नमस्कार।